आज हम ऐसे चेहरे के विषय पर बात करेंगे जो कि एक चेहरा है पर काम कई सारे। इन्होंने अपने क्षेत्र में, ये तो यूं तो ये मंत्री जी कहकर बुलाए जाते हैं, राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं, पर ये अपने क्षेत्र के सबसे जाने माने चेहरे इसलिए हैं क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जी हाँ, इन्होंने अपना सामाजिक कार्यकर्ता होने का जो दायित्व है वो बहुत ही अच्छी भूमिका पर निभाया है। और मंत्री जी जो हैं ये पहले सब इंस्पेक्टर भी रहे हैं, साथ ही साथ इन्होंने शिक्षा पद्धति और नीति में जो आंदोलन की है और स्वास्थ्य व्यवस्था में जो इनकी पद्धति रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार के लिए जो इनकी कोशिश रही है वो अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रही है। तो आज हम बात कर रहे हैं चौधरी उदय भान सिंह जी की। जी हाँ, आइए हम उनसे मिलते हैं और उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जो रहन सहन है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका उनका जो सोच है, उनके बारे में आगे उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल से, हमारे दर्शकों से जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ सर कि आपका जो व्यक्तित्व है, जो समाज कार्यकर्ता के रूप में व्यक्तित्व है, बहुत मंत्री जो होते हैं वो पदवी पर बैठकर भूल जाते हैं समाज को, पर जितना आपको मैंने देखा है और खासकर जो आप स्वास्थ्य विभाग के लिए जो 18 तारीख का आपने चयन किया है, वो कहीं से सर आपके दिमाग में कैसे आया कि 18 तारीख को आप निःशुल्क चिकित्सा स्टार्ट करोगे अपने क्षेत्रवासियों के लिए? देखिए, कोई ना कोई घटना व्यक्ति को संभल भी देती है और सिखाती भी है। 18 नवंबर 2000 को मेरा बड़ा प्रिय होनहार बेटा चौधरी मंजीत सिंह हेपेटाइटिस की भयंकर बीमारी से दुनिया से शरीर छोड़ करके चला गया। मैं बेहद आहत था और समझ नहीं पा रहा था कि परमात्मा ने ये मुझे पुत्र वियोग क्यों दे दिया। मैं बुढ़ापे की पहली सीढ़ी पर, मैंने पायदान पर पैर रखा था और बुढ़ापे की पहले पायदान पर पैर रखते ही मेरे से मेरा बेटा छिना लिया परमात्मा ने। तो अंदर से जब मैं घायल हुआ तो 18 नवंबर 2001 को उसकी एक वर्ष पूरी करनी थी। मैंने बहुत विचार किया कि उसको मैं कैसे याद करूं। कुल मिलाकर के ध्यान में ये आया कि मैं गरीब असहाय निर्बल लोग जो अपना इलाज अपने आप नहीं करा सकते, उनके इलाज संबंधी सेवाओं से मैं जुड़ जाऊं और हर महीने की 18 तारीख को गरीब असहाय निर्बल लोगों के निमित्त एक स्वास्थ्य शिविर गाँव में, देहातों में, गरीबों में लगाऊं और उस स्वास्थ्य शिविर में जो भयंकर बीमारी से लोग हैं उन्हें चिन्हित करूं और फिर उनको साथ में लेकर के आऊं और मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराऊं और फिर अगली 18 तक उनकी सेवा करूं और निरंतर ये प्रक्रिया चलाऊं। परमात्मा ने मुझे सहायता की, मुझे संबल दिया, मुझे ताकत दी परमात्मा ने। 18 नवंबर 2001 से कुछ साथियों सहित हम कोई चंदा चिट्ठा किसी से मांगते नहीं, शासन से किसी से कुछ नहीं लेते नहीं, कुछ अपने मित्रों के जुड़ाव से जोड़ करके प्रत्येक महीने की 18 तारीख को गरीब असहाय निर्बल लोगों की निमित्त हम देहाती क्षेत्र में एक चिकित्सा शिविर लगाते हैं जिसमें 20-25 डॉक्टर पहुंचता है। चर्म रोग विशेषज्ञ पहुंचता है, नेत्र रोग विशेषज्ञ पहुंचता है, कान नका नाक गला विशेषज्ञ पहुंचता है, उदर रोग विशेषज्ञ पहुंचता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ पहुंचते हैं, दांत रोग विशेषज्ञ पहुंचते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ पहुंचता, पैथोलॉजी वाले पहुंचते हैं, 20-25 चिकित्सक सब पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद भयंकर बीमारी वालों को चिन्हित करते हैं, बाकी साधारण लोगों को एक महीने के लिए दवा दे देते हैं और जो भयंकर बीमार होते हैं उनको वहाँ बस पहुँच जाती है, गाड़ी पहुँच जाती है चार पहिए वाली, उनको बिठाल करके लाते हैं, SN मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराते हैं और निरंतर उनको हर रोज़ उनकी चिंता करते हैं, एक्सरे हुआ नहीं हुआ, सिटी स्कैन हुआ नहीं हुआ, दवा मिली नहीं मिली, एक्सरे हुए कि नहीं हुए, पैथोलॉजी से जाँच हुई ना हुई, दवा मिली कि नहीं मिली, ये चिंता करते हुए जब तक अगली 18 फिर पकड़ लेते हैं और इस तरह से होते होते आगे आने वाली 18 नवंबर 2020 को पूरा 20 वर्ष होकर के 21 वर्ष जा रहे हैं। इसी के साथ सुबह प्रातः अन्नदान होता है, चार ठेले हैं, एक में छोला चावल है, एक में कढ़ी चावल है, एक में दलिया है, एक में खिचड़ी है, एक शास्त्रीपुरम से निकलती है, एक न्यू आगरा से निकलती है, एक जयपुर हाउस से निकलती है, एक कमला नगर से निकलती है।
सुबह 5-5:30 बजे निकल जाती है और राधे राधे के गीत लगे हुए हैं, गरीब असहाय रैन रैन बसेरा में बांटते हुए एक मेडिसिन वार्ड पर खड़ी होती है, एक सर्जिकल वार्ड पर खड़ी होती है, एक प्रसूत विभाग पर खड़ी होती है, एक नेत्र विभाग पर खड़ी होती है, और सुबह 6 बजे से 9 बजे तक जो प्रातः जलपान करने वाले गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क जलपान होता है। छोला जो चिकित्सक आते हैं, जो डॉक्टर आते हैं, ये क्या आपने निःशुल्क व्यवस्था देते हैं या फिर सरकार के तरफ से इनको कुछ? कतई ही निःशुल्क व्यवस्था देते हैं हम उनको। केवल हमने करीब 200 डॉक्टरों का एक पैनल बना रखा है, साल में एक दिन 18 तारीख को अपना योगदान डॉक्टर देते हैं, और जो डॉक्टर योगदान देता है वह एक महीने तक, अगले महीने तक उन मरीजों की सेवा करता है, जिनमें जिला अस्पताल के भी डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी हैं, लेकिन सभी डॉक्टर वो हैं नामी गामी, जिन्होंने प्रतिष्ठा कमाई है, जिन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है, वे डॉक्टर हैं जिनके पास में 500 से लेके 1000 रुपये तक एक दिन की फीस लगती है, वो जंगल में जाती हैं। सर, जिस तरीके से मोदी जी की खादी वर्दी को देखकर लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं, बहुत यहाँ तक इंग्लैंड से लेकर अमेरिका और पता नहीं किस किस देश में खादी की व्यवस्था बढ़ती जा रही है, लोग वहाँ भी खादी को पसंद करने लगे, आपका सर, आप खुद खादी विभाग से जुड़े हुए, आपका क्या कहना है सर? आपके पगड़ी को भी लोग बोलते हैं कि आपने फतेहपुर सिकड़ी की पगड़ी पहन रखी है, उसका दायित्व ले रखा है, तो सर आपने खादी के विषय में आपका क्या कहना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में खादी का कितना बड़ा सहयोग हो सकता है? देखिए, खादी जीवन की पद्धति से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति बिना कपड़े के नहीं रह सकता, नंगा जीवन नहीं काट सकता, कपड़ा चाहिए, कपड़ा, रोटी और मकान, ये तीन अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। अब वह काम आत्मनिर्भर बनने के लिए मैं अपने कपड़े को अपने आप बनूं, ये देश की संस्कृति में है, देश की पहचान में है, देश की परंपराओं में है, अपने आप मेरी माता बहन बेटी अपने आप सूत काता करती थीं और सूत काट करके इतना कमा लेती थीं कि वो अपने आप बुन लेती थीं, जुलाहे को दे आई सूत काट करके, जुलाहे ने बुन दिया और जुलाहा बुनने के नाम पर अपना गेहूं जौ बाजरा ले गया, उसका भी काम कर गया, वस्त्र विनिमय के आधार पर ये सारा काम चल गया, रोटी भी वहीं से मिलती थी, कपड़ा भी वहीं से मिलता था, मकान भी वहीं से मिलता था, एक दूसरे के छप्पर को छा करके ऊँचा करके रख पर मरनी पर रखने का भी काम सहभागिता से होता था। ये जो खादी का काम है ये भारतवर्ष की परंपराओं से और मानव इतिहास से जुड़ा हुआ है, मैं केवल भारत की संस्कृति की बात नहीं कर रहा हूं, संपूर्ण सृष्टि के मानव के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जहां से व्यक्ति ने कपड़ा पहनना शुरू हुआ होगा वहां से कपड़ा अपने आप ही बुना होगा और जो बना होगा वो कपास का ही बना होगा और कपास को उसने रुई के धागे के रूप में ही पिरोया होगा और वो होते होते खादी ग्राम उद्योग के नाम से आज देश को सशक्त बना रहा है, रोजगार दे रहा है। सर, आप लघु उद्योग में जैसे खादी की बात की मंत्री जी ने, तो लघु उद्योग में क्या सर आप खादी को मानते हो कि बहुत बड़ा चेहरा दे दिया लघु उद्योग में? देखिए, ऐसा है, उद्योग अपने आप में, फिर वहीं से कह रहा हूँ, ये उद्योग का अर्थ है हुनर, परमात्मा ने हर व्यक्ति को हुनर दिया है और हुनर का व्यवहारिक रूप में हुनर को ले जाना ही उद्योग की श्रेणी में आ जाता है। मुझे परमात्मा ने कोई हुनर दिया, मैं गीत गाना जानता हूँ, अब यदि मैंने गीत गाना जानता तो गीत के आधार पर मैंने उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से जोड़ दिया, ये भी उद्योग में ही जुड़ गया। मैं मान के चलो बर्तन का काम, कोई भी काम, हुनर को व्यवहारिक रूप में लाना, अपने जीवन की पद्धति से जोड़ देना हुनर को, उद्योग को जन्म देता है और उद्योग व्यक्ति को सशक्त बनाता है, सामर्थ्यवान बनाता है, संपन्नता देता है और संपन्न जीवन ही परमात्मा के सुख का दूसरा नाम है। संपन्न जीवन अपने आप में बहुत बड़ा सुखदायी जीवन, पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया। तो जो पैसा है जी ना, टनाटन पैसा, ये पैसा उद्योग से ही पैदा होता है और उद्योग अपने आप में संपन्नता को जन्म देता है। तो
सर आपको ऐसा आप क्योंकि खुद एक आप बिजनेसमैन रहे हो, जैसा आपकी हिस्ट्री बताती है, तो आपको क्या लगता है कि सर इसको और कितने दूर तक आप देखते हो खादी को? क्योंकि बाहर की कंपनियां भी अब इन्वेस्ट करना चाहती है, खासकर कि यूपी को चयनित किया गया है, बाहर की जापान, अमेरिका और बहुत सारी कंपनी जो है वो यूपी में इन्वेस्ट करना चाहती है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर ज़्यादा गौर फरमा सकते हो और नज़र डाल सकते हो। खादी आयुर्वेदिक परंपरा और वैदिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। मैंने आयुर्वेद से इसलिए किया कि कपास एक अपने आप में बिल्कुल प्राकृतिक उपज है, उसका धागा बनना और धागे को शरीर के साथ जोड़ना, प्रकृति और शरीर के साथ में सृष्टि और शरीर, सृष्टि का दूसरा नाम है सृष्टि के द्वारा उपज की गई चीज को, शरीर और सृष्टि को जोड़ देना, ये आयुर्वेदिक लक्षणों की पूर्ति है। तो खादी जो है वह वैज्ञानिक भी है, आयुर्वेदिक भी है, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है, उद्योगों को जन्म भी देती है, देश की संस्कृति और देश की को पुनः जो है संस्कृति परंपरा को जीवंत भी रखती है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खादी ग्राम उद्योग को और खादी के क्षेत्र को बहुत विकसित करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जोड़ने के लिए तमाम तरह की योजनाएं और सुविधाएं जोड़ करके और इसको खादी को और अच्छा बनाने की चेष्टा भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं और हम लोग कामयाब भी हो रहे हैं। सर आप मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफस्टाइल जो है उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। जो पगड़ी की बात करें, ये पगड़ी आया कहाँ से, आपके दिमाग में कैसे आया कि पगड़ी लगाना चाहिए? क्योंकि आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपका जो रहन सहन और जो पहनावा है वो बहुत डिफरेंस है। जैसे कि हम मोदी जी को श्रेय देते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को, तो आपकी लाइफस्टाइल में भी लोग बहुत ज़्यादा इनसे भी इम्प्रेस हैं, तो ये आप बताइए मुझे। देखिए मैं इसको तीन भागों में बांटूंगा। पगड़ी मेरे परिवार की परंपरा का भी प्रतीक है। मेरे बड़े बाबा ने पगड़ी पहनी, मेरे बाबा ने पगड़ी पहनी, मेरे पिताजी ने पगड़ी पहनी, मैं भी पगड़ी पहनना हूँ और मेरे बेटों ने भी शहन शहन पगड़ी बांधना शुरू कर दिया। अब कभी भी हफ्ते दो हफ्ते में शौक में पगड़ी बांधने लगे। पगड़ी सब बांधना जानते हैं। एक तो जो पारिवारिक परंपराओं के निर्वहन करने का भी एक ये काम पगड़ी बांध के मैं करता हूँ। दूसरा, आयुर्वेदिक स्थिति से, शारीरिक विज्ञान से पगड़ी बड़ा महत्व रखती है। ये पगड़ी एक बंधन है मस्तिष्क का। आपका दिनचर्या क्या होता है सुबह से? सुबह 4 और 4:30 के बीच में चारपाई छोड़ देता हूँ, यदि 12-1 बजे से पहले सो लेता हूँ तो, और 4:30-5 बजे उठने के बाद गर्म पानी पी करके तैयार हो करके और मैं 1 घंटे चहलकदमी करता हूँ, तेज चाल से दौड़ता हूँ, चलता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, खाली पेट आंवला का रस 5-7 आंवले गला करके पीस करके उसका सूप निकाल करके पीता हूँ। हमेशा 200 वर्ष से गर्म बॉइल्ड पानी पीता हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि जाय विद्य राखे राम ताहि विद्य रहिए, खुश रहने की, प्रसन्न रहने की कोशिश करता हूँ और नौजवान बने रहने की कोशिश करता हूँ। मुंह पर खिजाब लगाता हूँ, वैसे मेरी भूरी मूछें हैं, भूरा कद है, लेकिन आभास करता हूँ कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं नौजवान हूँ और नौजवान ही सदैव रहूँगा, अंतिम क्षण तक ही नौजवान रहूँगा। ये अपने आप को मानसिक प्रवृत्ति में, मानसिक पहचान में, अंदर स्वभाव में समावेश करते हुए अपने जीवन को हरी सब्जी खाना, सात्विक जीवन जीना, गर्म पानी पीना, गेहूं, चना, जौ, मक्का, बाजरा, मूंग और जई का 8-9 प्रकार के अन्नों का अन्न करके रोटी खाना, दाल का जरूर सेवन करना, तेल घी का कम का प्रयोग करना, शुद्ध गाय का दूध पीना, मक्खन निकला हुआ छाछ पीना, यह मेरी जीवन की पद्धति है।
तो आपने हमें देखा, हम जुड़े हुए थे चौधरी उदय भान सिंह जी के साथ, जिनसे हमने दिनचर्या, लाइफस्टाइल, उनकी जो खादी की जो समझ बूझ है और जो उनका कार्यालय है उनके बारे में जाना। और मुझे ऐसा लगता है कि सर आप हमसे और जुड़ते रहिए और देश को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, और खादी को खास करके कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने खादी को आगे बढ़ाया, उस तरीके से दायित्व अब इनके ऊपर है, तो खादी को और ऊपर ले जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने सारे दर्शकों का और अपने मंत्री जी का हमसे जुड़ने के लिए।